ऑनरेबल स्पीकर साहब, दो इश्यूज जो मैं 20 साल से मुसलसिल कह रहा हूं, मुझे याद आते हैं। आज जो राज्यसभा के मेंबर हैं जनाब सुरेश रेड्डी साहब, वो आपकी कुर्सी पर आंध्र प्रदेश असेंबली में स्पीकर थे, तो मैंने उनसे बड़े ही तड़पते हुए अंदाज में, जोरदार आवाज में कहा था कि स्पीकर साहब, आप हमारे रेस्क्यू को आइए, चार मीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिए। चार मीनार आज अगर हम तवज्जो नहीं देंगे तो खत्म हो जाएगा, पोल्यूशन से खतरे में है। तो उस वक्त के स्पीकर साहब ने, सुरेश रेड्डी साहब ने कहा, अकबर साहब आपके इसके मुतालबे पर मैं मिनिस्टर साहब को कहूंगा। मिनिस्टर साहब ने, उस वक्त के मिनिस्टर ने उठकर कहा कि हम चार मीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन का प्रोजेक्ट बनाएंगे, चार मीनार को बचाएंगे। और सुरेश रेड्डी साहब ने कहा कि आज तो आपको खुशी हो रही होगी कि प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, लेकिन आज भी चार मीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। एक वक्त का मसला होता है जो मैं बार बार उठाता हूं, दूसरा चार मीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन का प्रोजेक्ट की कंप्लीशन। लेकिन आज इतने बरस के बावजूद भी चार मीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। पत्थरगट्टी इतना खूबसूरत, सर आई हैव ट्रेवल्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड सर, इटली गया हूं, यूरोप गया हूं, अमेरिका, साउथ ऑफ अमेरिका, एवरीवेयर, अफ्रीका ऑल्सो। सर जो भी पुराना शहर होता है, जिस भी शहर का पुराना शहर होता है, वो उनका सबसे बड़ा हीरा होता है, एक ज्वेल होता है, उसको खूबसूरत बनाते हैं, उसके हेरिटेज को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके आर्किटेक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन आज आप बताइए कि हमारा हेरिटेज, हमारा आर्किटेक्चर प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं यह कह रहा हूं तो यह भी मैं जरूरी समझता हूं कि केटी रामाराव साहब को मुबारकबाद दूं कि बार बार मैंने मुतालबा किया था मौजम जाई मार्केट को बचाने के लिए, मौजम जाई मार्केट को रेनोवेट करने के लिए, हेरिटेज को बचाने के लिए, और बहुत अच्छा काम हुआ और मौजम जाई मार्केट आज अपनी खोई हुई अजमत को बहाल होती हुई देख रही है। इसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं। पत्थरगट्टी, नए पुल से लेकर पत्थरगट्टी और पत्थरगट्टी से लेकर गुलजार हाउस, गुलजार हाउस से लेकर चार मीनार, ये स्ट्रेच इतना खूबसूरत है, कभी वक्त निकाल कर जाकर देखिए कि वो पूरा स्ट्रेच हैज अ ब्यूटिफुल आर्चेस, स्टोन आर्चेस। मैं गड़बड़ करने के बाद सर इन दिस हाउस व्हेन इन आंध्र प्रदेश असेंबली आई हैड रेज्ड दिस इशू, देन गवर्नमेंट हैड गिवन इंस्ट्रक्शंस टू क्लीन दोज आर्चेस, द आर्चेस वे क्लीन एंड द ब्यूटी हैड कम आउट। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि वो आर्चेस को छुपाने के लिए जो जैसा बोर्ड डालना चाहता है वो बोर्ड डाल देता है, एक पर्टिकुलर साइज ऑफ बोर्ड एंड नेम का एक ऑर्डर और जीओवी है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। करोड़ों रुपया खर्च कर वो आर्चेस को रिवाइव करे, लेकिन आज वो नहीं हो रहा है। जब इसके साथ साथ मैं मौजम जाई मार्केट की बात करता हूं तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि केटी रामाराव साहब से हमने मुतालबा किया था कि पुराने शहर में भी सिकंदराबाद क्लॉक टावर की तरह एक क्लॉक टावर है, पुराने शहर में भी क्लॉक टावर है। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को लेकर जाकर हमने दौरा किया था म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के, उसके बाद में पुराने शहर के उस क्लॉक टावर को रिपेयर किया गया, बनाया गया, और आज वो खूबसूरत दिख रहा है, इसका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन उस क्लॉक टावर के पीछे चौक की मार्केट है जो मुर्गी मार्केट से मशहूर है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, छोटा सा एक, मैं कहूंगा कि 300 स्क्वायर यार्ड्स या मैक्सिमम 500 स्क्वायर यार्ड्स, लेस देन 500 स्क्वायर यार्ड्स पे एक वन स्टोरी एक पुरानी बिल्डिंग है जो कभी भी गिर सकती है। और हमने कहा कि यहां पर आप एक मार्केट बनाइए 4 लेवल्स की। टूरिस्ट आते हैं खिलवत पैलेस को देखने, टूरिस्ट आते हैं चार मीनार को देखने, टूरिस्ट आते हैं लाल बाजार में, एक एंटीक की मार्केट बनाइए और आप वो स्ट्रक्चर को तोड़ दीजिए। तो आप गौर करिए साहब, आप गौर करिए स्पीकर साहब, बड़ी बड़ी इमारतें हेरिटेज में नहीं आती, उस्मानिया हेरिटेज नहीं, एरम मंजिल हेरिटेज नहीं, छोटी सी 300 गज की इमारत पानी टपक रहा है, आधा गिर गया है, नहीं बना रहे, रीजन व्हाट? नो, इट इज अ हेरिटेज स्ट्रक्चर, इट इज इन अ डिलैपिलेटेड कंडीशन। सर आप उसको तोड़कर बनाइए, एक मार्केट बन सकती है, और वो अतराफ के लोगों को दीजिए पार्किंग लॉट, खिलवत पार्किंग लॉट,
पीपीपी प्रोग्राम में लेंगे बोले, पब्लिक पार्टनरशिप में सर, नोबडी इज कमिंग फॉरवर्ड टू टेक अप दैट पार्किंग लॉट सर। चार मीनार के पास खिलवत के पार्किंग लॉट, लेकिन वो पार्किंग लॉट को कंप्लीट नहीं किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि कब किया जाएगा। अगर कोई फॉरवर्ड नहीं आ रहा है तो जीएचएमसी क्यों नहीं बनाती उसको? पार्किंग लॉट वैसी है सर, थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट सर बिफोर दिस लॉकडाउन इन अ सिंगल डे मोर देन 25,000 टूरिस्ट यूज टू कम टू विजिट चार मीनार एंड चौमेला पैलेस सर एंड गोलकुंडा फोर्ट। तो सर अगर हम हमारे टूरिज्म को डेवलप नहीं करेंगे, टूरिज्म को डेवलप करना है सर। सर आई हैड रिक्वेस्टेड टाइम एंड अगेन टू टेक अप दिस वर्क सर फॉर द चार मीनार सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट। वी नीड टू रिहैबिलिटेट वो जो छोटे बंडियां वाले डब्बे वाले पत्थर गट्टी से लेकर चार मीनार तक हैं उनको। सर इट इज नॉट जस्ट द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट देयर, इट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ओल्ड सिटी सर। कई खानदान पलते हैं चार मीनार में बंडियां लगाकर डब्बे लगाकर, कई घर पलते हैं। अगर चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के नाम पर हम उनको साफ कर देंगे तो कई घर भूख में मुब्तला हो जाएंगे परेशानी में। तो हमने प्रपोजल दिया साथ में जाकर, अरविंद साहब भी साथ में थे, मिनिस्टर्स साहब थे, हमने जाकर नए पुल के पास दो ब्रिजेस बनाने का प्रपोजल बनाया, कंसल्टेंट्स को दिया, जियो भी निकाला कि वहां जितने बंडियां डब्बे वाले हैं सालार जंग म्यूजियम के पास नए पुल पर दो ब्रिजेस डालकर उनको वहां पर अपनी रोजी रोटी का काम करने की इजाजत देंगे। सर आज तक जियो निकला लेकिन संगे बुनियाद नहीं, काम का आगाज नहीं। और मैं ये बात जरूर कहूंगा सर आपको कि लाड बाजार सर जो भी आते हैं सर, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आए थे या जो भी कंट्री के बड़े सरबरा आते हैं हैदराबाद को, तो वो लाड बाजार जरूर जाते हैं। सर लाड बाजार का क्या हाल है? सर मैं शुक्रिया अदा करता हूं मिनिस्टर साहब का कि मैंने कहा कि पंजाब जाकर चंडीगढ़ जाकर देखते हैं सुनहरी गुरुद्वारा को किस तरीके से अच्छा बनाया गया, और एक डेलीगेशन जाकर वहां पर देखा कि किस तरीके से फसाद लगाया गया और किस तरीके से ब्यूटीफाई किया गया वो चंडीगढ़ के एरिया को, और उसकी मंजूरी दी गई। लेकिन आज भी लाड बाजार वैसे का वैसा ही है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ लाड बाजार। सर अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जीएचएमसी में अगर ये तरक्की आई है, हैदराबाद का अगर नाम हुआ है और हैदराबाद में तरक्की आई है, तो इस चीज को ना भुलाए कोई कि इस तरक्की में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन भी टीआरएस के साथ है, क्योंकि टीआरएस और मजलिस ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को चलाती है आपस में मिलकर। हम भी हैं आपके साथ, हम जब आपके कामयाबी पर खुशी मनाते हैं, जब हैदराबाद को नाम आता है तो हम भी मसरत का इजहार करते हैं, हाईटेक सिटी की डेवलपमेंट को देखकर हम भी खुश होते हैं, हैदराबाद का नाम दुनिया के नक्शे पर आने पर हमको भी खुशी होती है, फख्र महसूस करते हैं, तो पुराने शहर के इस हाल को देखकर हमको शर्मिंदगी भी महसूस होती है, हमको अफसोस भी होता है। लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, मुझसे पूछते हैं लोग, अकबर साहब आप जब असेंबली में गए तो आपकी उम्र 26-27 वर्ष थी, लेकिन आज आप 50 के करीब आ रहे हैं, आप बूढ़े हो रहे हैं, आपके बाल सफेद हो रहे हैं, आपकी दाढ़ी सफेद हो रही है, लेकिन पुराना शहर नहीं बदल रहा है। हर हुकूमत ने हमारे साथ नाइंसाफी की, सौतेला रवैया अपनाया हमारे साथ, लेकिन हमको उम्मीद और तवक्को आपसे है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पर तवज्जो देंगे, रोड वाइंडिंग को लेंगे, कई रोड वाइंडिंग अब ऐसी पड़े हुए हैं, क्यों नहीं लेते रोड वाइंडिंग को? क्यों फ्लाईओवर्स का काम मंजूरी दी गई, फलकनुमा ब्रिज 3 साल हुए मंजूरी होकर आज तक शुरू नहीं हुआ, चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर एक्सटेंशन कई साल हुए नहीं हुआ, हां एसआरडीपी में बहादुरपुरे का फ्लाईओवर का काम हुआ, ओवैसी हॉस्पिटल के फ्लाईओवर का हुआ, मलकपेट से ओवैसी हॉस्पिटल का संग बुनियाद हुआ, वो भी काम हुआ, लेकिन ये काम हुए हैं हम उसके लिए शुक्रिया करते हैं, लेकिन जो काम नहीं हुए हैं वो कब होंगे ये मुतालबा करते हैं और ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है कि मुसलसल हमारे मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जाती है।